राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हे राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हे राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 राधा। सत्संग में जाया करो, सत्संग एक भट्टी है, जैसे सोना होता है उसे आग में तपाया जाता है तो सब खोट निकल जाते हैं, ऐसे ही सत्संग भी एक भट्टी है जिसमें हमारे खोट जल जाते हैं। राधा 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 और ज्ञान से समस्त अज्ञान से उत्पन्न हुई इच्छाओं का नाश होता है। हमारा जो स्वरूप है सच्चिदानंद है, पर हम फंस गए देह भाव और इच्छाओं से। जो सत्संग सुनता है उसको पता चलता है कि गंदी इच्छाओं का त्याग करना और सत इच्छाओं को धारण करना, फिर भगवत प्राप्ति में सत इच्छा का भी लय हो जाता है। पहले हर प्राणी को, हर शरीरधारी को गंदी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। अगर सत्संग मिला है, हमारी गंदी बातें नहीं छूटी, गंदा खाना पीना, गंदा सोचना, गंदी क्रियाएं, तो सत्संग का कोई लाभ नहीं। सत्संग का लाभ है जिसे हम जानते हैं गंदी इच्छा है, उसका हम अपने अंदर विरोध करें, उसकी कभी बात हम पूरी ना करें। और जो अच्छी इच्छाएं हैं, दूसरों का मंगल करना, भगवान का नाम जप करना, माता पिता की सेवा करना, धर्म पूर्वक धन कमाना, इनका पोषण करें। अच्छी इच्छाओं का पोषण, गलत इच्छाओं का त्याग, इसी सत्संग से हमारे अंदर ज्ञानाग्नि, हमारे अंदर जो ज्ञानाग्नि पैदा होती सारे पापों को भस्म कर देती। जैसे स्वर्ण का मल भस्म होता तो चमकने लगता है, ऐसे ही हमारा मल है पाप, और पाप का नाश हो तो हमारी उन्नति होने लगे, हम चमकने लगे, हम भगवान की कृपा पाते हैं। इसलिए सर्व पाप नाशक राधा राधा। राधा।